प्रणाम। कितनी धुनिया दी है हमारी घर में, कितने धुनिया हवन कितने कर दिए घर में, छोटी छोटी हमदारी कितनी कर दी। मेरा भी दम घोटती है, अपना भी दम घोटती है, कैसे करती है मैं तो सबकी लू, तू तो मेरी लेने लगी थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो पता ही कुछ नहीं। सब पता है तुझे, तुझे सब पता है, दुनिया के आगे सब कर सकती है, मुझसे कुछ नहीं छुपा बेटा। मेरे को तो खुद याद नहीं है, इतनी बड़ी काम हूँ। किसके भरोसे छोड़ दिया था मुझे? होश नहीं रहती रोटी की, तुझे होश नहीं पानी की, तुझे होश नहीं बच्चों की, तुझे होश नहीं पड़ी रहती है, बच्चों ने ला दिया तो रोटी खा ली, तुझे ये हो रहा है ना तेरे साथ। अच्छे से रो रहे, थोड़ी फूट के तो रो, मुझे तो मेरे पास आवाज तो आए। अपनी माँ को कौन किसी के भरोसे छोड़ता है? मैंने तो माँ किसी के भरोसे नहीं छोड़ा। बेटा बेटा के लिए तू आधा किलो के डब्बे में किसके घर से आए थे तेरे यहाँ? माँ तो आते रहते हैं, मुझे याद नहीं आ सकता नहीं किसके है। और उसमें से दो तीन निकाल कर तूने लौटा कर किसको दिए थे ये भी बता दे। रसगुल्ले मैंने कहे नहीं, मैं तो बेटे ने तू बोले हैं। छह साल से तो तेरे घर में बिल्कुल ये हो गया, और तू ऐसी थी ना, उससे मैंने गद्दी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? अब मैं नहीं दे रही, जा अब तू दे रही है ना, मैं नहीं दे रही। क्या तो ज्यादा लोग पागल बोलेंगे, लोग ढोंग बोलेंगे, माँ पे भरोसा ही ना। उल्टा उल्टा कर दिया था तू, बेटा माँ पे भरोसा ही ना, उल्टा बोल दिया। जिसने बोला उसको मैं देखती ना, ना मेरे मुंह से उल्टा बुलवाया था किसी। बाबू मेरी बात सुन, मैं इतनी बेइज्जती कहां से बर्दाश्त करूंगी, कैसे रूंगी रूंगी नीचे बता। अब तो सब जगह से गिर गई ना, फिर गिर गई कि नहीं गिर गई? ये चीज भी चल रही है बेटा, तो तेरे साथ जो तेरा ऐसे घबराहट सी होती है ना, हाथ पैर भी कांप जाते हैं कभी कभी। चीज है बेटा, दो तेरे साथ नंद का रोग चलती है कोई चीज मेरे पति का ना बेटा। ये मेरे नाम के सिंगार किसको चढ़ रहे हैं भाई? दादा तो मैं आपका सिंगार निकाला था, आपका कालिका और गुलाना दोनों सब देखे आएंगे वही दे आए। फिर तुम्हें पता है वहाँ क्या होता है? तुझे ये पता है मुझे तेरे यहाँ से तीन बार से सिंगार मिले नहीं रहा ना, मुझे चोला मिल रहा तेरे यहाँ से, एक हलवा चने मिलते हैं मुझे तेरे यहाँ से, बस मुझे नहीं मिलती। देख सुन मेरी बात, दो चल रही तेरे घर में चीज, और बेटा ये ज्यादा तो अब हो रही है तीन चार महीने से, ठीक है बाबू? और होली के बाद से तो और ज्यादा हो रही है। होली पे मैं गुनगुनाया था उनको। बेटा मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, तू बता दे होली के बाद से ज्यादा है कि नहीं है? पर मां मुझे कोई तसल्ली नहीं, मुझसे पूछ के बनाया था माँ तेरे कहने पे ये गद्दी मांग रही, हमने हार चुकी, मेरा सब कुछ बंद हो गया, खुलनी है तो खुल जाना, तो आ जाना, तो इस चक्कर में मांग रही। किसने बोला तुझे गद्दी? मैंने बोला तुझे? मैंने तुझसे जब गद्दी मांगी, तुझसे खुद बात करके मांगी, मांगी ना, उसके बाद मैंने जब तूने मेरी गद्दी ली थी फिर मैंने तुझसे मांगी। मुझे लगा कि आप नाराज हो इसलिए मेरा सब कुछ बंद हो गया। छोटा करा हुआ सब मेरा है, सब मैंने किया है। जब तू अपने बच्चों में गुस्सा होती थी तो तू भी लगाती थी ना एक, तो एक मैंने लगा दिया तो तू पड़क उठी। मेरा रूप देख के तूने गहना बनवाया उसका, और देख के तू उसको आ गई। रूप तूने मेरा देखा था ना, और दिया तूने उसको। और तुझे घर पे आटने के बाद ही ये हो गया था कि मैंने गलत किया है, उसी टाइम हो गया था, उसी टाइम हो गया।
अब तुझे क्या चाहिए, गांव बंदा चाहिए या मेरी सवारी चाहिए? पहले तो ये बोल, जिससे दुख पहुंचा वो चाहिए। सुन, तेरा शरीर अब मेरी सवारी सह नहीं पाएगा, सामने खड़े होकर बात किया करूंगी, बोल मंजूर है? दुख सुख सब बताया करूंगी, बोल मंजूर है? जैसे तुझसे पहले खड़े होकर बात करती थी वैसे ही किया करूंगी, बोल मंजूर है? हाँ, पहले शरीर ठीक है। बड़ा घर का तेरा, जैसे तूने मुझे पीठ दिखाई मैं तुझे पीठ दिखा, तुझे अपने घर से जाती हुई मैं दिखी भी थी, उल्टे पैर दिखे थे ना कि चली गई है। ये पीर कैसे चल रहा है बेटा तेरे घर में? उसने गद्दी लगाई थी, माँ उसने ऐसा बांध दिया हमारी बुद्धि और पता चलता था सब कुछ, चिढ़ता था बड़ी मुश्किल। वैसे पैसे किसके तेरे कब से गायब हुए थे पैसे? आ गया, तू साथ थी, तूने बचाया, तू नहीं निकाला उसको, मेरी हिम्मत, तू तो मर गई थी उसको, बिल्कुल तो ऐसे दिमाग खा गए, खा गए। बेटा ये दो चीज तो तेरी वही की है, नाम मैं लूंगी नहीं, समझ में आ गई बात? जब पागलों की तरह झूम रही थी तू अभी होली की, समझ गई? पहले करूंगी तेरा शरीर ठीक, जो बिल्कुल सत्यानाश हो गया ये, ठीक है? और बेटा अब सवारी नहीं दूंगी, सामने खड़े होकर बात क्या करूंगी, तेरे घर का अच्छा बुरा तुझे बताया करूंगी, दूसरों से अब तुझे कोई लेना देना नहीं क्योंकि तूने बहुत खरीदा। नहीं अब मैं दूंगी नहीं तुझे, नहीं छोड़ा के, वो भी तेरे चक्कर में पकड़ा रक्षा के लिए, तुझे पता है को भी तेरे वो मेरे साथ ही चलते हैं, पर दरबार में मुझे भरोसा नहीं था, माँ परेशान हो चुकी थी एक एक रुपए के लिए, आज वो ये हाल है। तू के डॉग में मत पड़ा करो, थोड़े बहुत दिमाग से भी थोड़ा बोलो, दूर मुझे दुर्गे का दिन है काली का दिन है, पहले तो तू मुझे ये बता, तेरे घर में तो दुर्गा चलती है ठीक है, काली तेरे घर में घूमती है गुस्से में, जीभ लपलपा रही है और ऐसे घूम रही है, बतानी छोड़ी हुई, सुन ले मेरी बात, बता तुझे पहले भी चुकी हूँ और अब भी बताई रही हूँ, ठीक है बेटा? मुझे ये जो खून लपलपाती हुई घूम रही है बेटा, इसके नाम की तो ये ठंडी होने की तो मांग रही है, ये बोतल, हाँ बोतल देना, कल गम देना, कैसे देनी है बता देती हूँ, चांद में ही देना भाई, नीचे कुछ तू तो बेटा मुझे कुछ इस पर हलवा चना ही खिलाती थी, मुझे तो हलवा चना ही दिखता है तेरा, और तू हलवा चना ही देगी मुझे, वो तो मेरे चलते ही अलग से, जब तेरा मन होगा ना ग्यारी पे दे, हाँ जब तेरा कभी मुझे कुछ खिलाने का मन हो तो मुझे हलवा और चने खिला दिया था बस, और बता डेली तो तू मुझे मिश्री बताते है, लौंग इलायची जो मर्जी खिला मैं वही खाती क्योंकि तू मुझे वही खिला। और सुन, दूसरों को सिंदूर बांटने से अच्छा पहले अपने सुहाग की भी रक्षा करी, समझ में आ गई बात? इतनी चिंता में वो घूम रहा है तो दूसरों को सिंदूर बांट रही है, अपनी की चिंता नहीं हो रही तुझे? जो सिंदूर औरों के लिए है उसे मेरी जोत पे से घुमाना और अपने ही सिर में लगाइए उसे, तेरा आदमी कितनी चिंता में है तुझे पता है? पता है, मैं काम ही नहीं, धंधा नहीं, तो क्या करें? दो औरों के बांटने की छोड़ दे, उस घुमाना उसके ऊपर से और अपने उसमें लगाना मांग में, ठीक है बेटा? बस बेटा इसी से आराम हो जाएगा, और बता ऊपर वाले तो नहीं पर।